तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है बैरियर स्टेन थ्योरी। तो गाइस, ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखते हैं। तो इसे एडोल्फ बैरियर प्रस्ताव रखा था 1885 में, और जिसके चलते इसको नोबेल प्राइज़ मिला गया था 1905 में, ठीक है, इस थ्योरी की वजह से। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था स्टेबिलिटी के ऊपर, किसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, साइक्लोन केन्स की। तो हमने साइक्लोन केन्स जो पिछले वीडियो में कवर किया था उसको मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोवल केन्स कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन है ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे खोल के लिखते हैं CH2 CH2, और इधर भी अपने आ जाएंगे CH2, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, जो जितना स्ट्रांग होता है बॉन्डिंग, जैसे इवली बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, जो साइक्लोवल केन्स की बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी के बारे में इसने बताया था। तो इसके बाद देखते हैं, ये थ्योरी थी, ठीक है, ये थ्योरी ने क्या किया था, इसके चलते हमने जितने जो अपना एंगल स्ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन हम बात करते हैं क्या होता है, और जैसे ये देखो, ये अपनी बॉन्डिंग है, जैसे CH2 और जो CH2 के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये CH2 के, ठीक है, ये जो बॉन्डिंग है इसने, और जो बायरन ने बताया था कि इसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। तो मेन कंसेप्ट इस थ्योरी का यही है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, तो जो बताया था हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जो साइक्लोन केन्स होते हैं SP3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, SP3 होती है, और ये प्लेनर में होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बायरन ने बताया था, जो एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो एंगल स्ट्रेन कितना होता है, जब एंगल स्ट्रेन क्या होगा, जब इंक्रीज होगा देन क्या होगा, जो स्टेबिलिटी होगी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब मेन पर्पस यही है, जैसे एंगल स्ट्रेन है जितना भी है, एंगल स्ट्रेन जितना इंक्रीज होगा जितनी स्टेबिलिटी है वो अपनी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसको आगे देखते हैं एंगल स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है। देन इसके फर्दर हमने देख लिया, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एंगल स्ट्रेन निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो, तो एंगल स्ट्रेन का एक फॉर्मूला होता है, हाफ डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखो, तो ये अपना एडजस्ट हमने लिया, डिजायर्ड एंगल हमको पता ही है किस, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, ये अपने इसके हिसाब से हो गया बायरर के हिसाब से। और जैसे हमने साइक्लोप्रोपीन का लिया है, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपीन का कितना होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको पता कितना होता है, 60 60, और इधर भी होता है अपने पास 60, ठीक है। जब हमने यहाँ पर जो हमने साइक्लोप्रोपेन का लिया, ठीक है, देन क्या हुआ, यहाँ पर 60 भर दिया, तो देन हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इसमें माइनस करेंगे देन वैल्यू क्या जाएगी, जैसे 109 डिग्री 28 मिनट से हमने माइनस किया 60 डिग्री, ठीक है, अपनी 0 0 आ गई, देन हमने माइनस किया कितना आ गया, 49 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। देन हाफ में क्या आ जाएगा अपने पास, 49 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। देन इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट कैसे करना है, जब 49 डिग्री और 28 मिनट आएगा देन इसको हाफ कैसे इसे डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 2 4 डिग्री, जो 1 डिग्री होगा इधर, 1 डिग्री बचेगा ना, ये डिग्री यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ से जाकर प्लस हो जाएगा। जैसे 1 डिग्री में कितने होते हैं अपने पास, 60 मिनट होते हैं, ठीक है गलू, मतलब ठीक है इस, तो इसको हमने याद रखना है, 1 मिनट में अपने पास 60 मिनट होते हैं, तो जो 60 डिग्री है और जो 60 मिनट है वो प्लस हो जाएगा 28 मिनट में, तो कितना आ जाएगा, 88 मिनट आ जाएगा, ठीक है इस। तो हमने जो पहले वाली वैल्यू का था हमने निकाल लिया, तो जो साइक्लोप्रोपेन था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 24 डिग्री और अपने पास 44 मिनट आ जाएगा। इस तरह हमने साइक्लोब्यूटेन का भी निकाल लिया, और साइक्लोपेंटेन का भी, और साइक्लोहेक्सेन का भी निकाल लिया, ठीक है। देन उसके बाद हम टेबल देखते हैं, टेबल में क्या बताया गया है। तो जैसे ये देखो टेबल है, तो हमने जब साइक्लोप्रोपेन का निकाला था तो डिजायर्ड एंगल हमको पता कितना था, हर एक में यही लेनी है, ठीक है, वैल्यू बायर के थ्योरी के हिसाब से। और हमने एक्चुअल एंगल था साइक्लोप्रोपेन का कितना था, 60 था, और ये हमने बनाया हुआ रफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो 90 इसका होता है, तो साइक्लोब्यूटेन का, और साइक्लोपेंटेन का होता है 108, और जो साइक्लोहेक्सेन का होता है 120 होता है, ठीक है। तो हमने ये जो कैलकुलेट की थी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू द बायर थ्योरी, ठीक है, तो उसने क्या कहा था बायर थ्योरी ने, तो जो एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना जो स्टेबिलिटी है डिक्रीज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टेबल अरेंज कर लिया है। देन इसमें देखो ये क्या हुआ था, जो साइक्लोप्रोपेन था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है। तो साइक्लोप्रोपेन है, उसके बाद देखो जो साइक्लोप्रोपेन है उसकी वैल्यू क्या है, 24 डिग्री, मतलब इसकी जो वैल्यू है थोड़ी ऊपर है, मतलब ज़्यादा बड़ी है तो बड़ी है, ठीक है, बड़ी है तो हमने यहाँ पर मतलब अनस्टेबल ज़्यादा है,
और जो जितनी कम होगी वो देखो, जिससे गाइस ये देखो एंगल स्ट्रेन की जो वैल्यू है जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतनी जो स्टेबिलिटी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने इस अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया, जो साइक्लोप्रोपेन था उसकी वैल्यू 24 थी तो हमने सबसे ऊपर रखा, इसके बाद इससे कम वैल्यू किसकी थी, इसकी थी। ठीक है, तो कौन सा था, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन था, तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन आ गया, और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन की वैल्यू कितनी थी, 5 डिग्री, और 5 डिग्री 16 मिनट थी, तो यहाँ पर रखा। और साइक्लोपेंटेन की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिया। मीन्स क्या है, जो जो अपना साइक्लोहेक्सेन है ठीक है, लेस स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द साइक्लोपेंटेन, और जो यहाँ पर जो मोर स्टेबल है ये अपना कौन सा है, साइक्लोपेंटेन है, और मोर अनस्टेबल कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, तो गाइस अपने ये अरेंज कर लिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं उसके लिमिटेशन के बारे में। तो लिमिटेशन क्या कहती है थ्योरी की, दिस थ्योरी इज अप्लाइड ऑन द लोअर कंस्ट्रक्शन। ये देखो जिससे गाइस ये देखो, तो हमने पहले तीन केसेस में देख लिया, तो जो वैल्यू थी ठीक ठाक आ रही थी, मतलब सीरीज में चल रही थी। देखो ये देखो साइक्लोप्रोपेन था ठीक है, ये 24 आया, देन साइक्लोबुटेन 9 आ गया। ठीक है, तो इसमें आके जो साइक्लोहेक्सेन में आके वो थोड़ा सा इसका जो रूल है वो फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो जो रूल है यहाँ से गलत हो गया। और हम बात करते हैं इसके बाद, दो जो अकॉर्डिंग जो अपना जो बैर थ्योरी था ठीक है, जो स्ट्रेन थ्योरी था, उन्होंने जो साइक्लोपेंटेन के बारे में जो मोस्ट स्टेबल बताया था ठीक है, जैसे देखो जो साइक्लोहेक्सेन है ठीक है, इसमें जो वैल्यू ये थी माइनस में भी आ रही थी। ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल हो सकता है इससे। ठीक है, तो बस जो बैर थ्योरी ने बताया था कि जो जो साइक्लोपेंटेन है ये मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पे देखो ना जो अपना साइक्लोपेंटेन है ये मोस्ट स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन है, पर इसकी लिमिटेशन क्या थी कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो मोस्ट स्टेबल किससे है, साइक्लोपेंटेन से, पर ये जो थ्योरी है इसके हिसाब से जो रूल है ये गलत हो जाता है। ठीक है, हायर साइक्लोएल्केन्स के लिए। तो देन क्या होता है, जो रिंग देन जो वैल्यू है ठीक है, ये जो रूल है फॉलो कर नहीं पाता, जो रूल फॉलो नहीं कर पाता है, देन की वजह से जो हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो अपना रिंग ओपनिंग शो नहीं कर पाते हैं।